नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। हमारी कोशिश एक ऐसे मीडिया मंच को खड़ा करने की है जो पूरी तरह से विज्ञापन से मुक्त हो। सरकार और कॉरपोरेशन हर तरह के विज्ञापन से आजाद। पत्रकारिता अपने मूल मकसद जनहित की पत्रकारिता तभी कर सकती है जब वह इनके विज्ञापन के दबाव से मुक्त हो। यह तभी उन लोगों से सवाल कर सकती है जब इसकी निर्भरता उस पर खत्म हो। इसके लिए आपको आगे आना होगा। न्यूज लॉन्ड्री पूरी तरह से अपने सब्सक्राइबर के समर्थन से चलने वाला मीडिया संस्थान है। हमें आपके समर्थन की जरूरत है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। आप अगर न्यूज लॉन्ड्री के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें और सीधा न्यूज लॉन्ड्री व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बनें। कलयुग समाप्ति की ओर था, कालचक्र के मुताबिक अब सतयुग की वापसी होनी थी, लेकिन खबरिया चैनलों के हुड़कचुल्लुओं ने घोषणा कर दी कि अयोध्या में बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब सतयुग का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा त्रेतायुग का प्रारंभ हो चुका है। ये आप कह सकते हैं जो कलयुग में त्रेता युग का जो शुभारंभ हुआ, श्री गणेश हुआ, उसका ये पहला देश नहीं झुकने देंगे। त्रेता युग के आउटर सिग्नल पर खड़े आर्यावर्त में उल्लास उमंग की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। इसी माहौल में हस्तिनापुर का दरबार लगा था। महल के परकोटों में हलचल थी, अंतःपुरों में स्वागत गीत बज रहे थे, नगर सजे हुए थे। धृतराष्ट्र और संजय समेत तमाम दरबारी सज धज कर दरबार में पहुंचे थे। धृतराष्ट्र तरंगित अवस्था में थे, सिंहासन पर बैठे बैठे जांघों पर थाप दे रहे थे। उन्हें किसी ने बता दिया था कि आर्यावर्त में हिंदुत्व का रेनेसां चल रहा है। स्वयं डंकापति ने इस अवसर का ऐलान करते हुए 1000 साल का रोडमैप दिया था। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी, इसलिए मैं कहता हूँ यही समय है, सही समय है। हमें आज से इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। इस घटना के बाद से आर्यावर्त में वातावरण बेहद शाकाहारी और पवित्र टाइप हो गया था। धृतराष्ट्र ने संजय को उवाचा, रेनेसां के बाद डंकापति क्या कर रहे हैं। संजय ने ध्यान लगाया, तार बेतार संपर्क से आर्यावर्त का हाल जाना और फिर वापस दरबार में लौटे। धृतराष्ट्रमय दरबारी एकटक संजय का मुंह निहार रहे थे। संजय ने मुंह खोला, बदले में कुछ बोला। सार यह कि जम्बूद्वीप में बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वापस लौटे डंकापति थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स करते करते उन्होंने पाटलिपुत्र का सिंहासन पलटीपुत्र के जरिए अपने कब्जे में ले लिया है। बिहार में अब तक नीतीश की सरकार है और RJD की खबर यह है फिर पलटेंगे नीतीश कुमार। हर कोई एक ही बात कह रहा है, नीतीश कुमार सियासत के सबसे बड़े धुरंधर हैं, लेकिन इसी के साथ पलटू राम भी, और एक बार फिर पलटी मारेंगे और BJP के साथ चले जाएंगे। योगा में चक्रासन होता है, उसी तरह राजनीति में अब पलटी मारने के लिए नीतीश कुमार ने नीतीश आसन का आविष्कार किया। यह नया आसन है नीतीश आसन। धृतराष्ट्र ध्यान से संजय की बात सुन रहे थे। इसके बाद संजय ने जो जानकारी दी उसे सुनकर धृतराष्ट्र चौकन्नेपन की परम अवस्था में पहुंच गए। कान खड़े, निगाहें स्थिर, शांति का वातावरण। जम्बूद्वीप में प्राण प्रतिष्ठा और पाटलिपुत्र का सिंहासन हथियाने के बाद डंकापति ने अपनी सफलताओं का जश्न मनाने के लिए राजमहल में एक पार्टी का आयोजन किया। सबको दावत दी गई, एक तरह से सर्वदलीय जश्न था। चारों तरफ खुशियां थी, नाच गाना चल रहा था, फलों के जूस की नदियां बह रही थी, खासकर अंगूर के जूस की डिमांड ज्यादा थी। गिलास से गिलास लड़ाए जा रहे थे, स्टील के गिलास आपस में टकराकर शीशे जैसी खनक की बजाय धातुओं वाली टनक पैदा कर रहे थे। खड़गे जी, केजरीवाल जी, मोइत्रा जी, झा जी, राउत जी, अब्दुल्ला जी, थरूर जी, स्टालिन जी, ममता जी, तमाम जी वाले नेता डंकापति की इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे। कहने को पार्टी सर्वदलीय थी, लेकिन माहौल एकदम सर्वधर्म प्रार्थना सभा वाला था। जश्न जारी था कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है। मेहमानों में सुरूर चढ़ रहा था और पार्टी में परवान चढ़ रहा था। वातावरण में लगभग आग लगाते हुए डंकापति ने ऐलान किया, अब हम अंताक्षरी खेलेंगे। गिलास टकराने बंद हो गए, सारे मेहमान डंकापति की ओर ताकने लगे। सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा पाकर उन्होंने बात को आगे बढ़ाया, यह अंताक्षरी थोड़ा अलग होगी। यहाँ मैं एक कीवर्ड दूंगा और आप सबको उस पर कुछ गीत गवनी करना होगा।
खड़गे जी ने सकुचाते हुए कहा, मेरे को कहां गाने बजाने में भिड़ाता है आप डंकापति जी। डंकापति ने कहा, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खड़गे जी खेलेंगे हम अंताक्षरी। सारे मेहमान गोल घेरा बनाकर बैठ गए, बीच में डंकापति। उन्होंने अपनी चिर परिचित नक्सीरी आवाज में कहा, मित्रों आज का कीवर्ड है नीतीश कुमार और पहला गाना गाएंगी आदरणीय बहन मोइत्रा जी। यह सुनकर बहन मोइत्रा सकपका गई। उन्होंने कहा, ये क्या डंकापति जी, मेरी एक्सपर्टीज तो अडानी मामलों में है, मैं नीतीश पर गाना कैसे गाऊंगी। बहन मोइत्रा के इस इसरार पर डंकापति कुछ नहीं बोले, लेकिन सभा में मौजूद बाकी मेहमानों ने बहन मोइत्रा को घेर लिया, गाना तो पड़ेगा। खुद को चौतरफा घिरा पाकर बहन मोइत्रा ने एक शेर अर्ज किया। कहते हैं सियासत के दो पहलू हैं नीतीश पासवान, कहते हैं सियासत के दो पहलू हैं नीतीश पासवान, जिभा की तरकीबें अलग अलग हैं, एक झटका तो दूसरा हलाल। सभा वाह वाह के कहकहों से गूंज उठी। बहन मोइत्रा ने सिर झुकाकर सबकी खुशामदीद की, तब डंकापति ने अपनी उंगली खड़गे जी की तरफ उठा दी। सबकी निगाहों के घेरे में पाकर खड़गे जी ने एक दोहा सुनाने की इजाजत चाही। साथ ही उन्होंने डिस्क्लेमर भी डाल दिया कि मेरे दोहे में कीवर्ड भले ही मिसिंग हो, लेकिन आत्मा वही है। सबने हाथ उठाकर उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए बिना कीवर्ड वाला दोहा सुनाने को कहा। खड़गे जी ने उवाचा, रघुकुल रीति सदा चली आई, बचन जाए पर तखत न जाए। दोहा खत्म होते होते राउत जी के मुंह से तारीफ के बोल फूट पड़े, क्या दूर का मारा है खड़गे साहिब आपने। अभी राउत जी की तारीफ खत्म नहीं हुई थी कि डंकापति ने उंगली झा जी की तरफ घुमा दी। झा जी ने बेहिचक ऊंची आवाज में शुरू किया, कभी आपका तो कभी हमारा यार है। इसके बाद झा जी ने तवज्जो की चाह में इधर उधर देखा, भीड़ ने इरशाद इरशाद का संपुट दिया, तब झा जी दोगुने जोश से बोले, कभी आपका तो कभी हमारा यार है, कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। पार्टी में कोलाहल मच गया, क्या पक्ष क्या विपक्ष। झाजी की शायरी सुनकर सब गदगदा गए। सोनम गुप्ता की बेवफाई पर नीतीश कुमार की बेवफाई भारी पड़ गई। कुछ सांसदों ने मिलकर झाजी को कंधे पर उठा लिया। काफी देर तक सब झूमते रहे। सभा शांत हुई, तब डंकापति ने अपनी उंगली अब्दुल्ला जी की ओर घुमाई। बाकी मेहमानों की निगाह भी अब्दुल्ला साहब की ओर उठ गई। गाने बजाने के शौकीन अब्दुल्ला साहब आज फकीरी अंदाज में थे। सबसे पहले उन्होंने कबीरदास से क्षमा याचना की, उसके बाद बोले, नीतीश कुआं एक है पानी भरे अनेक, नीतीश कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में। अब्दुल्ला साहब की सियासत पर इतनी समीचीन टिप्पणी और यथार्थवादी विश्लेषण पर केजरीवाल ने मुट्ठी भर तारीफ उछाल दी। राजनीति की कितनी सुंदर विवेचना आपने कर दी अब्दुल्ला साहब। कबीरदास जी को जिस खूबसूरती से आपने नीतीश के साथ रिप्लेस किया है, उसका तो मैं मुरीद ही हो गया। केजरीवाल ने अभी तारीफ खत्म ही की थी कि डंकापति ने उंगली केजरीवाल की तरफ घुमा दी। केजरीवाल ने कहा, जब मौसम कबीरदास का है तो मैं भी एक दोहा ही सुनाना चाहूंगा। भीड़ से आवाज आई, क्या बात क्या बात। तब तक केजरीवाल ने अपना मन बदल दिया। उन्हें याद आ गया कि वोटरों को सुंदर कांड सुनाना है, कबीर के दोहे में कोई वोट नहीं रखा है। सो उन्होंने पलटी मारते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं रामचरितमानस की शरण में जाऊंगा। फिर भीड़ से वही आवाज आई, क्या बात क्या बात। तब केजरीवाल ने कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, पटना में फिर पलट बिहारी। सांसदों के झुंड ने शोर मचाना शुरू कर दिया, यह वाला नहीं माना जाएगा, बहुत छोटे में निपटाना चाहते हैं छोटे नवाब, कुछ और सुनाना होगा। दबाव में केजरीवाल ने दूसरा गाना शुरू किया, एक अड़े है नाम मार्ग का कहते सीएम आवास, पलट बिहारी भवन हुआ जब पहुंचे नीतीश कुमार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यह सुनकर डंकापति अचानक से असुरक्षित महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि राम और हनुमान पर तो उनका कॉपीराइट है, नारे केजरीवाल लगा रहा है। उन्होंने चट से बीच में हस्तक्षेप करते हुए राउत जी को आमंत्रित किया। राउत जी ने आते ही कबीरवाणी ठोकी, ऐसी पलटी मारिए सोच सके ना कोई, और उनको भौचक करे खुद भी चौचक हो, रे भैया खुद भी चौचक हो। रात चढ़ाई थी, पार्टी समाप्ति की ओर थी। धीरे धीरे मेहमान लड़खड़ाते कदमों से अपने घरों को निकल रहे थे। अंगूर का जूस एसिडिटी पैदा कर रहा था।
डंकापति को भी याद आया कि अगली सुबह मन की बात करना है, रात ज्यादा हो गई है। सबसे विदा लेकर वो लोक कल्याण के लिए निकल गए, बाकी जनता भी अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गई। पार्टी का आंखों देखा हाल बयान करने के बाद संजय ने चुप्पी साध ली। तब धृतराष्ट्र की तंद्रा भंग हुई। वो डंकापति के महल की कथा सुनने में बुरी तरह से संलिप्त हो गए थे। वर्तमान में लौटे तो पाया कि दरबार में भी सांझ ढल आई है। वो सभा विसर्जन का आदेश देकर उठे और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। अब एक क्षेपक या लघु कथा, लेकिन आप लोगों से शुरुआत में ही निवेदन है कि इस कहानी का नीतीश कुमार से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कहानी का उन्वान है मदारी का बंदर। चौराहे पर मदारी आया था बंदर का कर्तव्य दिखाने। जनता गोल घेरे में घेर कर खड़ी थी। मदारी बार बार बंदर से कह रहा था, लेकिन बंदर ने गुलाटी नहीं मारी। तब मदारी परेशान हो गया, ऐसा तो पहले कभी ना हुआ। पब्लिक इसे देख मारे हंसी के मरी जा रही थी। उसे यह सब खेल का हिस्सा लग रहा था। अपनी परेशानी छुपाते हुए मदारी ने भीड़ पर नजर घुमाई। अचानक उसकी नजर एक व्यक्ति के ऊपर जाकर रुक गई। मदारी ने झट से हाथ जोड़ लिए और रुआंसा होकर बोला, नेताजी यहाँ खड़े होकर आप हमारे पेट पर लात न मारिए। नेता को मदारी की बात समझ नहीं आई, पूछ बैठे, क्यों भाई, मैं तो बंदर का खेल देख रहा हूँ, मेरे देखने से तुम्हारे पेट पर लात कैसे पड़ रही है। मदारी बोला, साहब आप समझ नहीं रहे, आपको देखकर बंदर नरभसिया गया है, अब आपके सामने क्या खाकर ये गुलाटी मारेगा। यह सुनते ही पब्लिक जोर से हंसी। नेताजी खिसियाई हंसी के साथ वहां से चले गए। उनके जाते ही एक कमाल हो गया, बंदर ने झट से गुलाटी मार दी। कहानी समाप्त हुई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा कर दी गई है। जवाब में बिहार की सत्ता बदल गई है। भारत रत्न की घोषणा होने से पहले कर्पूरी ठाकुर जननायक हुआ करते थे। जनता उन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर बुलाती थी, लेकिन भारत रत्न की घोषणा के साथ ही जननायक वाली पदवी खाली हो गई। अब वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर हैं। ऐसे में भारत की सर्वशक्तिमान कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर मोदी जी की तारीफ की। यह खबर आई और टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को लगा कि मौका लपक लेते हैं, जननायक की पदवी खाली है तो क्यों ना मोदी जी को ही दे दी जाए। भारत रत्न और अन्य पुरस्कारों के पीछे यूं तो हमेशा ही कुछ न कुछ राजनीतिक मकसद होता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के मामले में हम देख पा रहे हैं कि पहली बार चुनावी राजनीति को इसमें घसीट लिया गया है। इधर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा हुई, उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डबल गुलाटी मारी। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, फिर परिवारवाद की आड़ में इशारों इशारों में लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला किया। वही लालू यादव जिनके साथ मिलकर हाल तक मुख्यमंत्री थे। इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे, आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता करते रहता है, नेता बनता। इधर नीतीश कुमार ने मोदी जी की तारीफ की, उधर एक बार फिर से बिहार में सत्ता की नाव डोल गई। देखते ही देखते नीतीश कुमार ने वह काम कर दिया जिसके लिए बिहार और देश की पीढ़ियां उनके नाम पर सामान्य ज्ञान की परीक्षाएं देंगी। सवाल कुछ इस तरह से होगा, वह कौन इकलौता नेता है जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार की कलाबाजियों से आगे बढ़ते हैं, कर्पूरी ठाकुर को याद कर लेते हैं। साल 1977 में जब ठाकुर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशें लागू करके राज्य की नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत की थी। यह मंडल कमंडल से बहुत पहले की बात है। बिहार की राजनीति में पिछड़ा और अति पिछड़ा सबसे महत्वपूर्ण वोटर है। बिहार की जनगणना के बाद यहाँ की 40 लोकसभा सीटों का गणित नरेंद्र मोदी के लिए गड़बड़ाया हुआ था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और नीतीश कुमार के पाला बदल से वह गणित फिर से मोदी जी के पक्ष में आ गया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की सियासत पर मोदी जी की निगाह कई दिशाओं से लगी थी। इसका एक हिस्सा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी दिखा। आप ध्यान दें कि प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने भाषण में रामायण के किन चरित्रों का जिक्र किया। शबरी, निषाद राज, गिलहरी और जटायु, ये वो प्रतीक हैं जो हिंदुत्व के व्यापक दायरे में सामाजिक न्याय के मुद्दे को साधने के काम आते हैं। कर्पूरी ठाकुर पर फिर से लौट आते हैं।
वो एक ऐसे समाजवादी नेता के रूप में याद किए जाते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। यहाँ ठाकुर के सबसे करीबी शिष्य नीतीश कुमार अपने गुरु से 36 का दृश्य उत्पन्न करते हैं। 36 यानी दिखने भर में एक से हैं, लेकिन गुरु को सीधा पीठ दिखाते हुए। कर्पूरी ठाकुर की सादगी और ईमानदारी बिहार के सियासी हलकों में शपथ की तरह इस्तेमाल होती है। नीतीश कुमार का नाम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वह भविष्य तय करेगा। ठाकुर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे लेकिन जनता से दूर नहीं हुए, हमेशा भीड़ से घिरे रहे। उन्हें भीड़ का आदमी कहा जाता था। सामाजिक न्याय का शब्द इन दिनों चर्चा में है, उसे सिद्धांत रूप में लागू करने वाले उत्तर भारत में वो पहले व्यक्ति, पहले नेता थे। इसीलिए उन्हें उत्तर भारत का अन्नादुरई भी कहा जाता है। नेता कैसे जनता का नेता बनता है, इसकी झलक कर्पूरी ठाकुर के कामों से मिलती है। 1967 में जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे, उस वक्त स्कूली फीस न भर पाने के कारण हर साल तेजी से बच्चों का ड्रॉप आउट होता था। गरीब बच्चे पैसे के अभाव में स्कूल छोड़ देते थे। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार सरकारी स्कूलों में फीस माफी कर दी। अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण अक्सर हिंदी भाषी ग्रामीण छात्र फेल होकर बीच में ही स्कूल छोड़ देते थे। उन्होंने ये प्रावधान किया कि जो बच्चे बाकी विषयों में अच्छा करते हैं और अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, उन्हें अगली कक्षा में जाने से रोका नहीं जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी के बिना भी छात्र अच्छा कर सकते हैं। इसे उनके विरोधियों ने इस तरह से प्रचारित किया कि वो अंग्रेजी के विरोधी हैं। 1971 में कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री हुए, तब अलाभकर जोतों से मालगुजारी खत्म कर दी। कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न बहुत देर से मिला, बहुत कम सम्मान है। प्रधानमंत्री जी बधाई के हकदार हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट का जिक्र हमने पिछले हफ्ते किया था। इस रिपोर्ट में दुनिया के महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों की स्थिरता के लिए अगले 2 साल में फर्जी सूचनाएं और भ्रामक जानकारियां सबसे बड़ा खतरा हैं। भारत इस सूची में शामिल है। आज हम इस रिपोर्ट के कुछ अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई है कि फर्जी सूचना और दुष्प्रचार अगले 2 वर्षों में उन देशों की चुनावी प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है जहां चुनाव होने हैं। भारत उनमें से एक है। खबरों, मीडिया और सरकारों पर लोगों का अविश्वास बढ़ रहा है। यह लोगों की सोच का ध्रुवीकरण कर रहा है। इससे आम नागरिकों के बीच अविश्वास बढ़ रहा है जो अशांति और टकरावों को जन्म दे सकता है। एक और खतरा नागरिक अधिकारों के दमन और उन्हें सीमित करने का भी है। राज्य सत्ता भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर नकेल कसने की आड़ में या फिर निष्क्रियता से पैदा होने वाले जोखिम का आकलन करके लोगों के अधिकारों में कटौती कर सकती है। तोड़ मरोड़ कर फैलाई गई खबरों की विध्वंसक क्षमता तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लगातार उन्नत हो रही टेक्नोलॉजी इसमें मदद कर रही है। लोगों का खबरों और मीडिया संस्थानों में भरोसा कम हो रहा है। यह सामाजिक विभाजन, वैचारिक हिंसा और राजनीतिक दमन को बढ़ा सकता है। नकली और बनावटी सूचनाएं अगले 2 वर्षों में कई तरीके से लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। यह अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण को भी प्रभावित करेंगी। वास्तविक या फिर झूठे विदेशी हस्तक्षेप का खतरा दिखाकर सरकारें अपने नियंत्रण को और मजबूत करेंगी, खासकर उन देशों में जहां आंशिक या फिर मिश्रित किस्म का लोकतंत्र है। पिछले हफ्ते हमने तौलीन सिंह के राजनीतिक लेखों और मोजो स्टोरी को दिए गए इंटरव्यू पर बात की थी। अंग्रेजी के वरिष्ठ पत्रकार हैं तौलीन सिंह। प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के रविवारी संस्करण द संडे एक्सप्रेस में कॉलम लिखती हैं। बीते इतवार को उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने कॉलम में उस पर प्रतिक्रिया दी है। सार संक्षेप यह कि मैंने तो यह कहा ही नहीं। खैर, उन्होंने सफाई में जो कहा वह भी और लेखों में जो कहा वह भी आपको बता देता हूँ। सफाई में उन्होंने शब्दशः ये कहा, मैं आशा करती हूं कि मंदिर बहुप्रतीक्षित भारतीय पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। उन्होंने अपने लेख में जो कहा था वह भी जान लीजिए। पहले तो उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार विद्या नायपॉल को कोर्ट में लिखा और उसके बाद उनकी राय में अपनी राय को मिलाते हुए कहा, इस अवसर में जब राम बहुप्रतीक्षित भारतीय पुनर्जागरण का प्रतीक बन रहे हैं, तब इन समझदारी भरे यानी विद्या नायपॉल के शब्दों को याद रखने की जरूरत है। विद्या नायपॉल के समझदारी भरे शब्द ये थे कि मंदिर के मुद्दे पर वो भाजपा की नीति से इत्तेफाक रखते हैं। खैर, तवलीन सिंह ने आगे भी बहुत कुछ लिखा था। मैंने भी बहुत विस्तार से उस पर बात की थी। वह तो शब्दों की जलेबी हो गई, जितना छानो उतना टेढ़ा। उसमें उलझने का अब कोई अर्थ नहीं है। यहाँ मैं संक्षेप में सिर्फ तवलीन सिंह की रेनेसों पर जाहिर विचारों का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप स्वयं देख लीजिए। पिछले पूरे हफ्ते रेनेसों उनके सिर पर सवार था।
even for me, I found the whole thing quite sort of, you know, it was like as if like a cultural renaissance, the beginning of something new. यह देखने सुनने के बाद भी कहने को कुछ शेष रह जाता है क्या? आप स्वयं तय कर लीजिए. मेरे लिए यह अध्याय यहीं पर समाप्त. तौलीन सिंह ने अंत में लिखा, I needed to set the record straight. यानी उन्हें लगा कि हिसाब किताब बराबर कर लेना चाहिए. मैं बस इतना ही कहूंगा कि मुझे उनसे कोई हिसाब बराबर नहीं करना है. मैंने पिछला शो भी कोई हिसाब बराबर करने के लिए नहीं किया था. एक व्यक्ति, एक पत्रकार, बड़ी उम्र और बड़े अनुभव के लिए मैं उनका सम्मान करता हूं, पर उनके विचारों से असहमत हूं. मुझे लगता है कि हिसाब बराबर करने की धुन में भी वो मेरे असहमति के अधिकार से तो सहमत होंगी. अपने कॉलम में उन्होंने लिखा, लंबे समय तक कॉलम लिखने से ये अनुभव हो जाता है कि कुछ लोग आपसे घृणा करेंगे, कुछ लोग तारीफ करेंगे. मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती. तवलीन जी, कुछ लोग आपसे सम्मान सहित असहमत होंगे, कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ आपकी समीक्षा करेंगे, कुछ घृणा भी करते होंगे, लेकिन आपने उन सबको उठाकर एक ही श्रेणी, हेट की श्रेणी में डाल दिया. असहमत होने वाला या आलोचक आपके लिए सिर्फ लैम्पूनर या टू बिट हैक्स है. थोड़ा अपने शब्दकोश को लोकतांत्रिक और उदार बनाइए. अब आप लोग इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए. जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा. ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन जैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग. इस हफ्ते की रिपोर्ट द प्रिंट से है, जिसे कृष्ण मुरारी ने आप तक पहुंचाया है. साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी, लेकिन बीते 10 सालों में गांवों को गोद लेने में सांसदों की रुचि खत्म हो गई है. यह रिपोर्ट दिल्ली के कादीपुर गांव से है, जिसे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गोद लिया था. इसकी दशा दुर्दशा का एक चित्र देखिए. यहाँ तो समस्या, बच्चे यहाँ 3 किलोमीटर पैदल ऊपर जाते, ना तो है स्कूल है, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है. भैया जो गोद लिया था ना, ये सिर्फ पेपरों में गोद लिया हुआ है. हमारा गांव जैसा पहले था उससे भी बदतर हालत में चला गया. 10 साल होने के हो रहे हैं, इस गांव में कुछ नहीं हो रहा है. और जबकि ये गांव जो मनोज तिवारी ने गोद ले रखा है, और जब से एक दो बार आया नहीं, आया भी नहीं 10 साल में. हमारे गाँव की जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो कोई बड़ी सुविधा अभी तक गांव में उपलब्ध नहीं है. हमारे गांव में अभी तक स्वास्थ्य की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है. अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी. नमस्कार.